हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो कोरोना वायरस की वजह से हमारा बाहर निकलना तो बंद हो गया है और 21 दिन का लॉकडाउन भी हो गया है। बहुत ही टफ सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ आप सब घर पे ही रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। हम सब अपने आप को ऊपर से प्रोटेक्ट करके तो रखते ही हैं, जैसे कि मास्क लगा के या सैनिटाइज़र का यूज़ करके या टाइम टाइम पे हैंड वॉश करके। उतना ही ज़रूरी है अंदर से अपनी बॉडी को हेल्दी और प्रोटेक्ट रखना। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम इम्यूनिटी को बढ़ा के अपनी बॉडी को हेल्दी और प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा या इम्यूनिटी बूस्टर टी। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी ली है। हल्दी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिक करता है, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये खून को भी साफ रखता है। यहाँ पे मैंने 10 काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च में विटामिन सी, विटामिन ए होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। फिर मैंने यहाँ पे 5 लौंग ली हैं। लौंग जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे मैंने अदरक ली है। अदरक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे कि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को फ्लू या वायरस से लड़ने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं। तुलसी तो आप सबको ही पता है कि वो कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। तुलसी का सेवन करने से हमारे कोल्ड कफ ये कुछ नहीं होता है और ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं वो भी हमारी बॉडी से दूर रहती हैं। यहाँ पे मैंने सिनेमन पाउडर लिया है, मतलब दालचीनी ली है। आप साबुत दालचीनी भी ले सकते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। फिर यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब पानी में बॉईल आने के बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम पानी बॉईल कर लेंगे। अब मैं सारी चीज़ों को क्रश कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें अदरक डाल दी है, उसके बाद मैंने इसमें तुलसी ऐड कर दी है, फिर मैं यहाँ पे लौंग ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 5 लौंगें मैंने ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम कूट लेंगे या क्रश कर लेंगे। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम अदरक, लौंग, काली मिर्च और जो तुलसी हमने कूटी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर ऐड किया है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे ताकि जो भी हमने इसमें चीज़ें ऐड करी हैं उन सारी चीज़ों का गुडनेस पानी में आ जाए। तो इसको हम 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से हम पकने देंगे। और ये काढ़ा आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, पूरे दिन में आपको एक बार लेना है, फिर जाएं आप सुबह लीजिए या शाम में लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर और इम्यूनिटी को बढ़। काढ़ा बन के तैयार है। मैंने तो ये काढ़ा लेना शुरू भी कर दिया है और आप भी ये काढ़ा लेना शुरू कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।